हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू टू एसके एलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज वन की एफ समझेंगे। वन की ई में हमने एस्टीमेट राउंड ऑफ करना सीखा था। इसमें एस्टीमेट द फॉलोइंग, इसमें दो नंबर दिए हैं उनका सम, उसको एस्टीमेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अलग अलग उन दोनों नंबर को पहले ही राउंड ऑफ में निकाल लेंगे, बाद में राउंड ऑफ निकालने के बाद सम करेंगे। तो देखिए, ये दोनों ही नंबर सबसे पहले डिजिट्स देखेंगे। दोनों ही नंबर में 3-3 डिजिट्स हैं। तो जो भी दो नंबर दी जाएँ उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट वाली नंबर हो उसके अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ देखते हैं। लेकिन इसमें दोनों ही 3-3 डिजिट्स हैं, इसीलिए हम इसको नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 100 में 3 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए नियरेस्ट 100। तो देखिए, पहली नंबर है 628, इसको नियरेस्ट 100 करेंगे। तो नियरेस्ट 100 के लिए टेंस वाला प्लेस देखते हैं, और यहाँ पे टेंस वाला प्लेस 2 है जो कि 5 से कम है, तो ये दोनों 0-0 हो जाएंगे और ये एज इट इज़ रहेगा। तो 628 को नियरेस्ट 100 करेंगे तो 600। दूसरी वाली नंबर है 599, इसको देखिए, इसमें टेंस वाला प्लेस 9 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे और ये वाला प्लेस 1 इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो ये वाली नंबर नियरेस्ट 100 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 600। अब ये देखिए, दोनों को एस्टिमेट करने के बाद जो आया उनको सम करेंगे, तो 600 प्लस 600 दैट इज़ 1200। तो इस सम को एस्टिमेट करने के बाद, राउंड ऑफ करने के बाद क्या आया, 1200, ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली डिफरेंस सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे इस सब्ट्रैक्शन को हमें राउंड ऑफ निकालना है, तो ये देखिए 1354 माइनस 691। अब इसमें हम डायरेक्टली इसे पहले माइनस नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग राउंड ऑफ करेंगे। अब ये देखिए, ये वाली नंबर 4 डिजिट की है और ये वाली 3 डिजिट की है, लेकिन मैंने बोला था जो छोटी डिजिट होगी उसी के अकॉर्डिंग नियरेस्ट करते हैं, राउंड ऑफ निकालते हैं। इन दोनों में छोटी वाली ये है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसको 3 डिजिट्स हैं इसलिए नियरेस्ट 100। तो दोनों ही नंबर्स को नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे। तो पहले देखिए 1354, इसमें नियरेस्ट 100 के निकालने के लिए टेंस वाला प्लेस 1's टेंस, टेंस वाला प्लेस 5 है, तो ये दोनों 0 और इससे एक पहले वाला 100 वाला प्लेस 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 1354 को नियरेस्ट 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400। सिमिलरली 691, इसको नियरेस्ट 100 करेंगे तो 700। अब इसकी जगह लिख लेंगे 1400, जो नियरेस्ट करने के बाद 100 करने के बाद जो आया, और इसको नियरेस्ट 100 करने के बाद आया 700। इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे और आंसर गेट हो जाएगा 700। उसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। संध्या हैड 187 मार्वल्स, सी गेव 28 मार्वल्स टू हर ब्रदर, हाउ मैनी मार्वल्स आर लेफ्ट विथ संध्या, एस्टिमेट योर आंसर टू द नियरेस्ट 10। देखिए, संध्या के पास 187 मार्वल्स हैं, उसने उन मार्वल्स में से 28 मार्वल्स अपने भाई को दे दी। हाउ मैनी मार्वल्स आर लेफ्ट विथ संध्या, अब संध्या के पास कितनी मार्वल्स बची, और जो आंसर आए उसको नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है। तो देखिए, संध्या है 187 मार्वल्स। अब इसमें भी हम पहले ही इन चीज़ों को राउंड ऑफ कर लेंगे, ना कि आंसर को सॉल्व करने के बाद। तो संध्या के पास कितनी मार्वल्स है, 187। नियरेस्ट 10 में पूछा है, तो इस 187 का नियरेस्ट 10 निकाल लेंगे। नियरेस्ट 10 क्या आ जाएगा, 190 मार्वल्स। शी गेव 28 मार्वल्स टू हर ब्रदर, उसने 28 मार्वल्स अपने भाई को दे दी, तो इस 28 को नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, 30। लेफ्ट मार्वल्स, जब उसके पास 187 मार्वल्स हैं और 28 उसने दे दी, तो उसके पास कितनी बची, इस वाली में से इसे माइनस कर देंगे। तो देखिए, लेकिन नियरेस्ट वाले में से माइनस करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट के लिए पूछा है। तो नियरेस्ट कितनी थी, 190, और देने के बाद नियरेस्ट जो निकाला 30, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 160 मार्वल्स। तो ये एस्टिमेट करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 160। थैंक यू स्टूडेंट्स।